हाय एवरीवन, माय नेम इज साक्षी और स्वागत करती हूँ आप सभी का पिनाकल कोचिंग पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं जो TCS प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछ चुका है। सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस किए जाते हैं। जो भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं अवेलेबल है आपके लिए इस बुक में। 7600 प्लस MCQs अवेलेबल हैं इस बुक में। बुक बहुत ही ज़्यादा लाइक यूज़फुल कह लीजिए, क्योंकि अभी टीयर टू का पेपर आने वाला है और टीयर टू के क्वेश्चंस भी इस बुक में कंपाइल कर रखे हैं। सो बुक को अगर परचेज करना है तो अमेजोन पर बुक अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पर बुक अवेलेबल है। अगर आप ई बुक को ख़रीदना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और सबसे अच्छी बात कि बुक ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगी। अपने पास के किसी भी बुक स्टोर पर जाकर अगर पता करोगे तो वहाँ पर बुक आपको मिल जाएगी। उसके अलावा अगर अभी तक हमारे टेस्ट पास को बाय नहीं किया है तो टेस्ट पास को बाय कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छे ऑफर में आपको लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज कंपाइलेशन मिलने वाला है क्वेश्चन का, शिफ्ट वाइज कंपाइलेशन मिलने वाला है। सो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिलने वाले हैं विद द टाइमर। लाइक जैसे एग्जाम में आप बैठोगे, सेम उसी फील के साथ आप घर पर बैठ के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर अभी तक टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टाइमली अपडेट्स के लिए ग्रुप के थ्रू आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, जहाँ पर हम लोग कर रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अराउंड 230 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, CGL, CHSL, MTS। ठीक है, सो बहुत हर एग्जाम को हमने बेसिकली कवर किया है। सो 231 क्वेश्चन नंबर 231 का आंसर बताएंगे, पहला क्वेश्चन आज की सेशन का। बताइए, अ टाइप ऑफ मैजिक इन विच स्पिरिट्स स्पेशली इविल वंस आर यूज टू मेक थिंग्स हैपन। बताओ, जो आपने काला जादू वगैरह के बारे में सुना होगा, सो उस टाइप ऑफ मैजिक को क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, मिमिक्री, सॉर्सरी या फिर एल्काइमी? बताइए क्या रहेगा करेक्ट आंसर 231 क्वेश्चन के लिए। उस टाइप ऑफ मैजिक को क्या बोलते हैं जहां पर स्पिरिट्स को, इविल्स को जनरली यूज किया जाता है कोई काम करने के लिए? ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से कौन सा मोस्ट सूटेड ऑप्शन आपको यहां पर करेक्ट लग रहा है, कौन सा लग रहा है कि करेक्ट रहेगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। सॉर्सरी बोलते हैं उस टाइप ऑफ मैजिक को जहाँ पर हम लोग स्पिरिट्स का यूज करते हैं कोई काम को करने के लिए। ठीक है, एलिक में क्या होता है, मैजिक पावर दैट कैन चेंज थिंग। ठीक है, जो मैजिक पावर पूरी चीज़ों को चेंज कर दे उसको बोलते हैं, राइट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 232, अ डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। बताइए, फिशर लाइक होल कह लीजिए, जो अर्थ सरफेस में एक बड़ा सा फिशर हो गया है, उस फिशर को क्या बोलते हैं? वॉल्केनो, चाज्म, अर्थक्वेक या फिर ट्रेमर? 232 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? अ डीप फिशर, फिशर माने होल। ठीक है, जो एक बड़ा सा अगर होल हो जाए अर्थक्वेक के आने की वजह से या कुछ ऐसा जो अर्थ स्प्लिट कर जाती है उसको क्या बोलते हैं? डीप फिशर इन द अर्थ सरफेस। ऑप्शन नंबर बी यहां पर हमारा करेक्ट रहेगा, चाज्म बोलते हैं डीप होल जो हो जाता है ग्राउंड में। ठीक है, ट्रेमर क्या होता है, स्लाइट शेकिंग ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ जब आपकी शेक करती है दैट इज ट्रेमर, अर्थक्वेक हम जानते हैं। ठीक है, वॉल्केनो क्या होता है, लाइक अर्थ के अंदर से जो लावा बाहर आता है उसको हम वॉल्केनो बोलते हैं, राइट, वॉल्केनो बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन द बॉडी सच एज नॉस्ट्रिल। बताओ, ओपनिंग को क्या बोलते हैं, जो ओपनिंग होती है जैसे हमारी बॉडी में नॉस्ट्रिल में हमारी ओपनिंग है। ठीक है, सो इस ओपनिंग को क्या बोला जाता है? CHSL का ही क्वेश्चन है, ऑरिफाइस, ऑप्ट्यूज, ऑब्सक्योर या फिर ऑब्लिक, क्या रहेगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन?
समथिंग लाइक एन ओपनिंग पर्टिकुलरली वन इन दी बॉडी सच एज नॉस्ट्रिल ऑप्शन नंबर ए. जी हाँ, ओरिफाइस बोलते हैं उस ओपनिंग को. ठीक है, ओपनिंग को ओरिफाइस बोलते हैं. नेक्स्ट, ऑब्स्क्योर मतलब जो क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर, नॉट वेल नोन, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है, जानकारी नहीं है, दैट इज ऑब्स्क्योर. ऑब्लिक क्या होता है? नॉट एक्सप्रेस और डन इन अ डायरेक्ट वे. ठीक है, जब आप डायरेक्टली कोई चीज़ को नहीं करते हो, दैट इज ऑब्लिक. क्लियर? इनडायरेक्ट जब हम कोई भी काम को करते हैं. क्लियर? सो ऑरिफाइस ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. आगे बढ़ जाते हैं 234 पे. समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. बताओ, CHSL का क्वेश्चन है. कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा अनप्लेजेंट है, अच्छी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? हॉरेंडियस, हाइटेंड, ह्यूमेन या फिर ह्यूमरस. वेरी सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से बताएंगे 234 का करेक्ट आंसर. समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट. क्या बोलते हैं? हॉरेंडस. जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा. ठीक है, हॉरेंडस बोलते हैं जो बहुत ही खराब चीज है बेसिकली. हाइटेंड क्या होता है? टू बिकम और मेक समथिंग ग्रेटर और स्ट्रोंगर. जब आप किसी चीज को बड़ा या फिर स्ट्रोंग बना देते हैं, दैट इज हाइटेंड. ह्यूमरस क्या होता है? अम्यूजिंग और फनी. ठीक है, जो फनी हो, दैट इज ह्यूमरस. क्लियर? चलिए 235 पे आते हैं. सेटिस्फाइड विद नो डिजायर टू चेंज और इम्प्रूव. बताओ, जो सेटिस्फाइड है, जिसको बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है, इम्प्रूव नहीं होना है, ऐसी कोई डिजायर नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? बेनिफिशियंट, इनोसेंट, कॉम्प्लिसेंट या फिर एडोलेसेंट. जब आपकी आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो और बिल्कुल भी चेंजेस नहीं चाहते हो, उसको उस कंडीशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन नंबर सी. जी हाँ, सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा. कॉम्प्लिसेंट बोलते हैं. ठीक है, क्या बोलते हैं? कॉम्प्लिसेंट बोलते हैं एक ऐसी फीलिंग जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं एंड यू डोंट वांट टू चेंज. ठीक है, इनोसेंट मतलब क्या होता है? जो निर्दोष है, जिसने कुछ गलत नहीं किया है. एडोलेसेंट क्या होता है? हम जानते हैं, जो बच्चा नहीं है बेसिकली. ठीक है, चलिए, और एडल्ट भी नहीं है बेसिकली. टीनेजर को एडोलेसेंट बोलते हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं. 236 पे आते हैं. टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट. बताओ, टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट. कॉम्प्लीमेंट करना, अटेनमेंट, इम्पेडिमेंट या फिर डिपोर्टमेंट. 236 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? किसी चीज को कंप्लीट करना या फिर परफेक्ट करने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टू मेक परफेक्ट और कंप्लीट. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? कॉम्प्लीमेंट. जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट करना ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ करेक्ट हो जाएगा. किसी चीज़ को परफेक्ट या फिर कंप्लीट करना मतलब कॉम्प्लीमेंट होता है करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर ए. अटेनमेंट मतलब कोई चीज़ अचीव करना. इम्पेडिमेंट मतलब क्या होता है? समथिंग दैट मेक इट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन और थिंग टू मूव और प्रोग्रेस. ठीक है, इम्पेडिमेंट इज सम ऑब्स्ट्रक्शन. ठीक है, जो प्रोग्रेस को रोकता है, हिंडरेंस. ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने सुने होंगे, हिंड्रेंस. क्लियर? डिपोर्टमेंट क्या होता है? अ पर्सन बिहेवियर और मैनर्स. ठीक है, जो पर्सन का बिहेवियर है, मैनर्स है, दैट इज डिपोर्टमेंट. क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं. 237 क्वेश्चन पे. अ पर्सन वीक एंड डिसेबल्ड बाय इलनेस. बताओ, जब बीमारी के वजह से कोई इंसान वीक हो जाए या फिर डिसेबल्ड हो जाए, उसको क्या बोला जाता है? एक्टिविस्ट, इनवैलिड, एथलीट या फिर पिटिशनर. 237 का करेक्ट आंसर.
देखिए, इसको हम एलिमिनेशन के मेथड से करते हैं। जैसे एक्टिविस्ट तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्टिविस्ट वो इंसान होता है जो एक्टिवली किसी चीज़ में किसी एक्शन को परफॉर्म करे, ठीक है। पिटिशनर भी नहीं हो सकता, एथलीट भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इनवैलिड हमारा मोस्ट सूटेड ऑप्शन दिख रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है। इनवैलिड इज क्या होता है, अ पर्सन हु हैज़ बीन वेरी इल फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड नीड टू बी लुकड आफ्टर, ठीक है, जो बहुत लंबे समय से बीमार है और जिसको आप जिसकी हमें केयर करने की ज़रूरत है, क्लियर, उसको इनवैलिड कहते हैं। एक्टिविस्ट क्या होता है, जो कोई भी एक्शन लेता है, कोई पॉलिटिकल और सोशल चेंज लेकर आता है। एथलीट कौन होते हैं भाई, जो रन करते हैं, जंप करते हैं, हम जानते हैं। पिटिशनर कौन होता है, अ पर्सन हु प्रेजेंट अ पिटिशन टू एन अथॉरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर कॉज, ठीक है, जो कोई पिटिशन, कोई रिक्वेस्ट डालता है अथॉरिटी के सामने, उसको पिटिशनर बोलते हैं। जैसे कोर्ट में हम पिटिशन डालते हैं, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 238 क्वेश्चन नंबर 238, हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, हर 2 साल में जो चीज होती है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बताइए सेंटिनियल, बायनियल, बाय एनुअल या फिर ट्राइनियल, क्या रहेगा करेक्ट आंसर। हैपनिंग एवरी 2 ईयर्स, बायनियल और बाय एनुअल में कंफ्यूजन हो सकती है। जो हर 2 साल में होता है उसको बायनियल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर मेरा करेक्ट रहेगा, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा, टेकिंग प्लेस एवरी 2 ईयर्स। सेंटिनियल क्या होता है, 100th एनिवर्सरी को बोलते हैं, ठीक है। बाय एनुअल क्या होता है, जो 1 साल में 2 बार हो, ठीक है, जो 1 ईयर में 2 टाइम्स होता है दैट इज बाय एनुअल, वहीं जो 2 साल में 1 बार होता है दैट इज बायनियल, क्लियर, ठीक है। ट्राइनियल क्या हो गया, जो हर 3 साल में होगा दैट इज ट्राइनियल, क्लियर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, बताओ स्लम एरिया वाले पार्ट को क्या बोलते हैं। अ पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, ये तो मेट्रोपोलिस, सबर्ब या कॉलोनी, क्या रहेगा करेक्ट आंसर 239 का। देखो मेट्रोपोलिस नहीं हो सकता, सबर्ब भी अलग होता है, कॉलोनी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर ए गेटो हमारा यहाँ पर करेक्ट रहेगा, जहाँ पर स्लम एरिया रहते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप रहती है, पुअर पीपल रहते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द सिटी स्पेशली द स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं गेटो, क्लियर। चलिए मेट्रोपोलिस तो पता है, जो मेन कैपिटल होती है या जो चीफ शहर होता है। सबर्ब क्या होता है, एक एरिया जहाँ पीपल लिव दैट इज आउटसाइड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टाउन और सिटी, ठीक है। सबर्ब इज जो आउटसाइड एरिया में, थोड़ा सा मेन सिटी से थोड़ा दूर, क्लियर, ठीक है। चलिए 240 क्वेश्चन नंबर 240, मेकिंग वन फील वेरी सैड, जब आप किसी को बहुत ज्यादा दुखी कर दे, मेकिंग वन फील वेरी सैड, इसको क्या बोलेंगे। CHSL का ही इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। हार्ट टू हार्ट, हार्ट सर्चिंग, हार्ट स्टॉपिंग, हार्ट रेंचिंग, टू फोर्टी का करेक्ट आंसर। मेकिंग वन फील वेरी सैड, जहां पर आप बहुत ज्यादा किसी को सैड कर दे, दुखी कर दे, उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ठीक है, हार्ट रेंचिंग, ठीक है, मेकिंग समवन वेरी सैड। हार्ट टू हार्ट क्या होता है, एक इंटीमेट, एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन अगर किसी के बीच में हो रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं हार्ट टू हार्ट, जहां पर आप कुछ भी फेक नहीं बोल रहे हैं, सब कुछ रियल बोल रहे हैं, ठीक है, दैट इज हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन, क्लियर। 241 अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, हर बीमारी का जो समाधान है, रामबाण है, उसको क्या बोलेंगे। अ रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेस, टैबलेट, सिरप, पेनेकिया या फिर नेक्टर,
241 का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पेनेकिया बोलते हैं, ठीक है। पेनेकिया हमारा करेक्ट आंसर है, सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस। नेक्टर क्या होता है? अ स्वीट लिक्विड दैट बीज कलेक्ट फ्रॉम द फ्लावर। अच्छा, नेक्टर हम जानते हैं, ठीक है, जो लिक्विड है बेसिकली जिससे शहद बनाते हैं, दैट इज नेक्टर, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं 242। क्वेश्चन नंबर 242, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब कोई अपनी लाइफ हिस्ट्री को खुद लिखता है, दैट इज ट्रैवलॉग, एसे, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। 242 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जहां आप अपनी हिस्ट्री, लाइफ कैसे जी है, लाइफ हिस्ट्री को खुद लिखते हैं, दैट इज ऑटोबायोग्राफी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑटोबायोग्राफी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जहां हम किसी और की हिस्ट्री को लिखते हैं, दैट इज बायोग्राफी। क्लियर? ट्रैवल लॉग क्या होता है? एक बुक या फिर राइटिंग जहां पर आपने ट्रैवल के बारे में, कहीं पे आपने ट्रैवल किया है, ट्रैवलिंग के बारे में लिखा होता है, दैट इज ट्रैवल लॉग, ठीक है। और जो मैं आप खुद की बायोग्राफी लिखते हैं, बायोग्राफी में आप दूसरों के बारे में लिखते हैं, दूसरों की लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के सामने है 243। क्वेश्चन नंबर 243, समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे। समथिंग दैट इज एक्सप्रेस्ड इन अ कन्फ्यूजिंग वे। इसेंट्रिक, इनऑडिबल, गलीबल या फिर इनकोहरेंट। जब आप क्लैरिटी के साथ कोई चीज ना समझा पाए, उसको क्या बोलते हैं? इनकोहरेंट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इनकोहरेंट मतलब नॉट क्लियर। इसेंट्रिक क्या होता है? स्ट्रेंज हो गया, अनयूजुअल हो गया, जब लोग बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव करते हैं, दैट इज सेंट्रिक। इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, और गलीबल क्या होता है? जो इजीली लोगों पे भरोसा कर लेते हैं और फिर वो फूल, लोग उनको ट्रिक कर देते हैं बेसिकली, ठीक है, फूल कर देते हैं। सो दैट इज गलीबल, जो बहुत ही सीधे लोग होते हैं, ठीक है। चलो 244, कवर्ड विद मटीरियल और सब्सटेंस इन ऑर्डर टू स्टॉप हीट, साउंड एक्सेट्रा फ्रॉम एंटरिंग और स्केपिंग। बताओ, जब आप किसी मटीरियल या फिर किसी सब्सटेंस से किसी चीज़ को कवर कर देते हो ताकि जो हीट है और साउंड है वो बाहर ना जा सके और ना ही अंदर आ सके, उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड, इंसुलेटेड, एसिमिलेटेड या फिर कैलिब्रेटेड। 244 का करेक्ट आंसर बताइए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को, ऐसी चीजों को क्या बोलेंगे जहां से हीट और साउंड बाहर ना जा सके, कवर कर दिया उसे किसी मटेरियल से, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंसुलेटेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड बोलते हैं ऐसे मटेरियल या फिर ऐसे सब्सटेंस को जहां पर आप स्टॉप कर सकते हो हीट और साउंड को, ठीक है, फ्रॉम एंटरिंग और स्केपिंग। क्लियर? हाइड्रेटेड मतलब टू मेक समथिंग टेक इन वाटर, जिसमें पानी है बेसिकली वो हाइड्रेटेड है। एसिमिलेटेड मतलब टू लर्न एंड अंडरस्टैंड समथिंग, जब आप कोई चीज को अपने अंदर लर्न करते हो, उसे समझने की कोशिश करते हो, दैट इज एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेटिंग, जब अपने अंदर कलेक्ट करते हो उस चीज को, ठीक है। कैलिब्रेटेड क्या होता है? मार्क यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑन एन इंस्ट्रूमेंट सो दैट इट कैन बी यूज फॉर मेजरिंग समथिंग एक्यूरेटली, ठीक है, जहाँ पर आप विद एक्यूरेसी कोई चीज़ को मेजर कर पाओ, एक मेजरमेंट बना दो, ठीक है, दैट इज कैलिब्रेटेड। आगे बढ़े, इंसुलेटेड यहाँ पर करेक्ट आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। 245, क्वेश्चन नंबर 245, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। बताओ, जब आप मेंटल इलनेस के वजह से कोई चीज़ को क्लियरली नहीं समझ पाते हो, डिरेंज्ड, इसेंट्रिक, विम्सिकल या फिर बैलेंस्ड, 245 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा?
क्लियरली ना समझ पाना, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। ऑप्शन नंबर ए डीरेंज्ड कहते हैं। जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, अनेबल टू थिंक क्लियरली बिकॉज ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, इस एंट्री का भी हम डिस्कस करके आए हैं, विम्सिकल इज अनयूजुअल नॉट सीरियस। ठीक है, जो अम्यूजिंग लाइक एनॉइंग वे में कोई चीज करता है जो सीरियस नहीं है, दैट इज विम्सिकल। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, बताओ। जो एक ट्रायल पीरियड में काम कर रहा है, प्रोबेशनर, पिटिशनर, प्रैक्टिशनर या फिर प्रोफेशनल। जो अभी सिर्फ ट्रायल पीरियड पे है, क्या बोलते हैं ऐसे पर्सन को? ऑप्शन नंबर ए प्रोबेशनर बोलते हैं। पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड इज प्रोबेशनर। ठीक है, प्रोबेशनर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पिटिशनर क्या होता है? द पर्सन हु प्रेजेंट अ पिटिशन टू एन अथॉरिटी, अभी डिस्कस किया था, जो कोई रिक्वेस्ट डालता है कोर्ट वगैरह में, एक हायर अथॉरिटी के पास, दैट इज पिटिशनर। प्रैक्टिशनर क्या होता है? जो काम कर रहा है एज अ डॉक्टर, डेंटिस्ट, जो किसी प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर रहा है बेसिकली। ठीक है, और प्रोफेशनल क्या होता है? कनेक्टेड विद अ जॉब दैट नीड हाई लेवल ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है, प्रोफेशनल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा करेक्ट है, प्रोबेशनर। नेक्स्ट पर आ जाते हैं 247। अ लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, बताओ। एक लार्ज और आर्टिफिशियल लेक जिसको हम एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई यूज करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? रिजर्वियर, पूल, क्रीक या फिर पॉन्ड। एक नेचुरल लेक जो वाटर सप्लाई के लिए यूज की जाती है, यूज एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, रिजर्वर। ठीक है, क्या बोलते हैं उस लार्ज आर्टिफिशियल लेक को जहां से वाटर सप्लाई किया जाएगा? व्हेनेवर नीडेड, वाटर को स्टोर किया जाता है ताकि जब जरूरत पड़े तो यहां से सप्लाई किया जाए, दैट इज रिजर्वियर। ठीक है, क्लियर। क्रीक क्या होता है? अ नैरो पीस ऑफ वाटर वेयर सी फ्लोज इन टू द लैंड। ठीक है, जहां से पानी जो है लैंड में घुसता है, उस नैरो पीस ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं क्रीक। ठीक है, पॉन्ड हम जानते हैं, पूल इज ऑल्सो लाइक घर पे पूल होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड लाइंग ऑन द सर्फेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 248। क्लोज फिटिंग ओवर अ सॉर्ड और अ नाइफ, बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये क्वेश्चन। तलवार या नाइफ को कवर करने के लिए क्लोज फिटिंग कवर होता है, जिससे उसको कवर किया जाता है, उस क्लोज फिटिंग कवर को क्या बोलते हैं? शील्ड, स्क्रीन, शीट या फिर गार्ड, क्या रहेगा करेक्ट आंसर? अ क्लोज फिटिंग कवर फॉर सॉर्ड और नाइफ इज कॉल्ड शीट। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार डिस्कस कर लिया है ये क्वेश्चन हमने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 249 पर हैं। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, बताइए। जहाँ पर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो कोई राजा या फिर रानी चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? मोनार्की, ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी। गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन इज कॉल्ड मोनार्की। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन को क्या बोलते हैं? मोनार्की बोलते हैं। ठीक है,
ओलिगार्की क्या होता है? अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग द कंट्रोल ऑफ द कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर कुछ लोग 5-6 to 7 लोग मिलके कोई चीज़ कंट्री को या कोई ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं, दैट इज़ ओलिगार्की। एरिस्टोक्रेसी का क्या होता है? यहाँ हाई सोशल क्लास के लोग हमारी कंट्री को चलाते हैं, ठीक है। एंड देन प्लूटोक्रेसी क्या होता है? जहाँ पर जो वेल्दी लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो लोग सरकार को चलाते हैं, दैट इज़ प्लूटोक्रेसी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 250, क्वेश्चन नंबर 250। अ वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइंड को क्या बोलते हैं? आपने देखा होगा एक पैसेज वे टाइप का होता है जो माइंड की तरफ लेके जाता है, ठीक है, नीचे ज़मीन के अंदर लेकर जाता है, जहाँ से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं अलग अलग मिनरल्स वगैरह को, उसको क्या बोलते हैं? कैनल, लॉबी, शाफ्ट या फिर एसाइल? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा 250 के लिए। जो माइंड की तरफ लेकर जाए एक पैसेज वे, जो वर्टिकल पैसेज वे है जो माइंड की तरफ लेके जाए, उसको क्या बोला जाएगा? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर सी, शेफ्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा, SHAFT, ठीक है, शेफ्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। वर्टिकल पैसेज वे इनटू अ माइन इज कॉल्ड शेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। कैनल क्या होता है? एक वाटर वे होता है टू अलाउ पैसेज ऑफ बोट्स और शिप इन लैंड और टू कन्वे वाटर फॉर इरीगेशन, ठीक है, जहाँ से हम वाटर निकालते हैं इरीगेशन के लिए, खेतों में पानी देते हैं जिन पाइप्स के थ्रू, दैट इज कैनल। लॉबी क्या होता है? द एरिया दैट इज जस्ट इनसाइड द लार्ज बिल्डिंग वेयर पीपल कैन मीट एंड वेट, ठीक है, कोई भी बड़ी बिल्डिंग में अगर आपसे कोई मिलने आया है तो जिस एरिया में वो लोग वेट करते हैं, दैट इज लॉबी, ठीक है। साइल क्या होता है? अ पैसेज बिटवीन द रोज ऑफ सीट्स इन अ चर्च, ठीक है, चर्च के बीच में जो रोज हैं उनके बीच में जो जगह है, या थिएटर के बीच में जो जगह है जहाँ से लोग मूव इन मूव आउट करते हैं, दैट इज अ साइल। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 251, अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस, अभी डिस्कस किया है, जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? सारी प्रॉब्लम्स की, सारी डिफिकल्टीज का जो सोल्यूशन है, रेमेडी है, उसको क्या बोलते हैं? अ सोल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीजेस इज कॉल्ड पिनाकिया, ऑप्शन नंबर सी। अभी क्वेश्चन स्टार्टिंग में ही ये क्वेश्चन हम डिस्कस करके आए हैं ऑलरेडी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रामबाण बेसिकली, ठीक है, हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है दैट इज पिनाकिया। क्लियर? चलिए बाकी और सारे वर्ड इजी हैं, मेडिसिन हम जानते हैं, ट्रीटमेंट, थेरेपी, ये सब इजी वर्ड्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, बताओ जगह जहाँ पर जंगली जानवर रहते हैं, लेयर, हच, कैनल या फिर केज? अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल लिव, उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल रहते हैं? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहां पर? लेयर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा, ठीक है, जहाँ पर जो वाइल्ड एनिमल है वो रहते हैं, रेस्ट करते हैं, स्लीप करते हैं, दैट इज लेयर। हच क्या होता है? एक वुडन बॉक्स इन फ्रंट ऑफ विद द फ्रंट मेड अप ऑफ वायर, दैट इज यूज फॉर कीपिंग रैबिट और स्मॉल एनिमल, ठीक है। आपने देखा होगा एक लकड़ी का डब्बा होता है बेसिकली, जिसके आगे तार लगी होती है, वायर लगी होती है, और हम लोग उसमें रैबिट्स और छोटे छोटे एनिमल्स को रखते हैं, दैट इज हच। कैनल जहाँ पर डॉग रहता है, दैट इज कैनल। एंड केज क्या होता है? एक बॉक्स जिसमें अलग अलग बार्स होते हैं या वायर होती है, ठीक है, जिसमें हम लोग बर्ड्स वगैरह को रखते हैं या किसी एनिमल को रखते हैं, दैट इज केज। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 253, अ पर्सन हु इज नीदर वेल एक्सपीरियंस नॉर प्रोफेशनल, CHSL का क्वेश्चन है, एक इंसान जो ना ही वेल एक्सपीरियंस है ना ही प्रोफेशनल है, उसको क्या बोलेंगे? वेटरन, प्रोफिशिएंट, एक्सपर्ट या फिर अमेटियर? वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से बताओ 253 का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? ना ही एक्सपीरियंस है, मतलब नया है बंदा, ठीक है, इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन है, क्या बोलेंगे उसको?
ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, डी, वेरी गुड। डी हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा। मैटियर बोलते हैं ऐसे इंसान को, ठीक है, क्लियर। वेटेरियन मतलब क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा स्किल है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है। प्रोफिशिएंट क्या होता है, जो अपने काम में बहुत प्रोफिशिएंट है, अच्छे से काम करता है, एक्सपीरियंस है, एंड एक्सपर्ट इज़ ऑल्सो, जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है। और मैटियर क्या होता है, एक ऐसा इंसान जो नया है अभी, जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। चलो 254, क्वेश्चन नंबर 254, समथिंग विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सप्लीमेंट्री, स्कैंटी, मियर्ज या फिर कार्डिनल। ऑलरेडी डिस्कस्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? क्या रहेगा करेक्ट आंसर ए बी सी डी में से, जल्दी से बताएंगे। समथिंग दैट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, कार्डिनल। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कार्डिनल इज समथिंग ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, दैट इज कार्डिनल, ठीक है। फंडामेंटल, सप्लीमेंट्री क्या होता है, जो चीज एक्स्ट्रा है बट उसको कंप्लीट करती है बेसिकली, दैट इज सप्लीमेंट्री। स्कैंटी क्या हो जाता है, बहुत ही कम इनसफिशिएंट क्वांटिटी में जो चीज है, दैट इज स्कैंटी। और मेग्र क्या होता है, टू स्मॉल इन अमाउंट, ठीक है, बहुत ही कम जो है, दैट इज मेग्र, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 255, स्मॉल रूम वेयर डिशेज आर वॉश्ड, बताओ, एक छोटा सा रूम जहाँ पर डिशेस को वॉश किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? एंट्री रूम, पैंट्री, लैडर या फिर स्क्लरी। क्या रहेगा करेक्ट आंसर 255 का? जहाँ पे बर्तन वगैरह को धोया जाता है, एक छोटा सा कमरा, उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट रहेगा। स्क्लरी बोलते हैं उस छोटे से रूम को जहां पर डिशेस को वॉश किया जाता है, ठीक है, क्लियर। एंटी रूम क्या होता है, एन एंटी चैम्बर टिपिकली सर्विंग एज अ वेटिंग रूम, जो वेटिंग रूम है उसको बोलते हैं। पैंट्री क्या होता है, एक स्मॉल रूम या फिर कबर्ड जहां पर फूड, क्रॉकरी और कटलरी को रखा जाता है, ठीक है। और लैडर क्या होता है, रूम, लार्ज कबर्ड फॉर स्टोरिंग द फूड, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 256, पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन, बताओ, कोई भी इंसान या फिर कोई चीज़ जो सेंटर ऑफ अटेंशन है, उसको क्या बोलते हैं? CHSL का ही क्वेश्चन है। ऑर्गेनाइजर, पॉलिटिशियन, साइनोश्योर या फिर लीडर। करेक्ट आंसर बताइए। अ पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन, ठीक है, जहां पर अभी जो सेंटर है मेन अटेंशन का। क्या बोलते हैं इस चीज को? देखिए, एलिमिनेट करके कर सकते हैं अगर हमें सारे वर्ड्स का मतलब नहीं पता है तो, ठीक है। अ पर्सन और थिंग दैट इज सेंटर ऑफ अटेंशन, क्या रहेगा हमारा करेक्ट आंसर यहां पर? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा। जी हाँ, सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। साइनोश्योर बोलते हैं ऐसे इंसान को या ऐसी चीज को जो अभी सेंटर ऑफ अटेंशन है बेसिकली, मेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बाकी सारे बहुत ही आसान वर्ड है। लीडर हम जानते हैं, जो सबको लीड करता है, पॉलिटिशियन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजर आर ऑल्सो वेरी इजी वर्ड, ठीक है। 257 पर आ जाते हैं। अ पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, बताओ, जो हमेशा खुद की ही तारीफ करता रहता है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? नेशनलिस्ट, ईगोटिस्ट, कन्वेंशनलिस्ट या फिर इवेंजलिस्ट, बताइए। 257 का करेक्ट आंसर क्या होगा? हु ऑलवेज प्रेजेज हिमसेल्फ, जो अपनी ही तारीफ करता है।
क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ईगोटिस्ट, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पर्सन हु स्पीक ऑलवेज इन प्रेज ऑफ हिमसेल्फ, ठीक है, उसको ईगोटिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। नेशनलिस्ट क्या होता है? जो स्ट्रांगली आइडेंटिफाई विद देयर ओन नेशन एंड विग्रेसली सपोर्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, जो अपने देश के बारे में बहुत सोचता है। इवेंजलिस्ट कौन होता है? जो क्रिश्चियन, जो लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट करे बेसिकली, उसको बोलते हैं इवेंजलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 258 क्वेश्चन नंबर 258, पेनलेस डेथ गिवन टू पेशेंट टू रिलीव सफरिंग। बताओ, जब आप किसी को कोई बहुत सफर कर रहा है किसी डिजीज से या बहुत ज्यादा पेन में है, तो जब उनको हम एक पेनलेस डेथ डॉक्टर खुद दे दें जिससे उनकी डेथ हो जाए, ठीक है, ताकि उनको पेन ना सफर करना पड़े, उस पेनलेस डेथ को क्या बोलते हैं? यूथनेशिया, यूफोरिया, यूफोर्बिया या फिर यूफेमिज्म, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए, जी हाँ, यूथनेसिया बोलते हैं जहां पर पेशेंट को उनके दर्द से आराम देने के लिए एक पेनलेस डेथ दे दी जाए, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा। यूफोरिया मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस इज यूफोरिया, ठीक है। यूफेमिज्म क्या होता है? एक इनडायरेक्ट वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ मोर डायरेक्ट वन, ठीक है। जब आप किसी अनप्लेजेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो इनडायरेक्टली जब आप कोई वर्ड को यूज़ करते हैं दैट इज यूफेमिज्म, क्लियर। और यूफोर्बिया क्या होता है? अ प्लांट ऑफ जीनस दैट कंप्राइजेस द स्पर्जेस, ठीक है। सो बेसिकली एक प्लांट के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 259 CHSL के ही क्वेश्चन हैं यहाँ सारे। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, बताओ, एलिजी, ओड, हिम या फिर एपिक। 259 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? जहां पर आप भगवान की को प्रेस करते हुए, भगवान की तारीफ करते हुए कोई सॉन्ग करते हैं। अ सॉन्ग और म्यूजिक इन प्रेज ऑफ गॉड, हिम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। भगवान के प्रेज में जब आप कोई सॉन्ग गाते हैं दैट इज हिम। एलिजी क्या होता है? अ सॉन्ग और पोएम जो सैडनेस एक्सप्रेस करती है, जो बेसिकली जिसकी डेथ हो गई है फ्यूनरल वगैरह में, जिनके बारे में सॉन्ग गाया जाता है या बोला जाता है, दैट इज एलिजी। ओड क्या होता है? अ पोएम जो किसी स्पेशल ओकेजन के लिए लिखी जाती है, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन या फिर थिंग के लिए, क्लियर। और एपिक क्या होता है? वेरी लॉन्ग एंड एक्साइटिंग, क्लियर। सो 259 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 260, क्वेश्चन नंबर 260, थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड एंड ऑफ द सेम डाइमेंशंस, बताओ, जो सेम काइंड की चीज़ें हैं या फिर सेम डाइमेंशन की है। होमोसेक्सुअल, होमोनिमस, होमोजेनियस या फिर होमोफोनी, बताओ। 260 का करेक्ट आंसर क्या रहेगा? देखिए, कहीं पर भी अगर होमो लिखा है सो बेसिकली होमो इज सेम, ठीक है। अब यहाँ पर डायमेंशन के बारे में बात कर रहे हैं तो होमोसेक्सुअल नहीं हो सकता, क्योंकि जो सेम सेक्स होगा वो होमोसेक्सुअल होगा, ठीक है। होमोनिमस नहीं हो सकता। होमोफोनी, फोनी इज साउंड बेसिकली, ठीक है। सो सेम साउंडिंग वर्ड्स जो होते हैं उनको होमोफोन्स कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, होमोजेनस हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, क्लियर। जो सेम डायमेंशन से, सेम टाइप से बनी हुई चीज़ें होती हैं दैट इज होमोजेनस। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 261, अ सिचुएशन रिक्वायरिंग अ चॉइस बिटवीन इक्वली अनडिजायरेबल ऑल्टरनेटिव और कन्फ्यूजन, बताओ। जहाँ पर जो दोनों ही अनडिजायरेबल है या फिर कंफ्यूज हैं आप दो चीज़ों को लेकर, तो उस सिचुएशन में जहाँ पर आपको एक चॉइस करनी है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? इंस्टेबिलिटी, कॉम्प्लिकेशंस, सोफिस्टिकेशन या फिर डिलेमा। 261 का करेक्ट आंसर,
जहाँ पर आप कंफ्यूज हैं और किसी दो चीज के बीच में यू कांट मेक अ चॉइस, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी, डेलेमा इज कंफ्यूजन। ठीक है, जब आप कंफ्यूज हैं व्हाट टू चूज इज डेलेमा। ठीक है, डेलेमा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। इंस्टेबिलिटी क्या होता है? जहाँ पर आप स्टेबल नहीं हैं, जो चीज़ चेंज होती रहेगी। कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाता है? समथिंग दैट मेक अ सिचुएशन हार्ड टू अंडरस्टैंड और डील विथ। ठीक है, जहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन। सफिस्टिकेशन क्या हो जाता है? द क्वालिटी ऑफ बींग सफिस्टिकेटेड। ठीक है, क्लियर? सो डेलेमा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 262, अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर। बताओ, जहाँ पर किसी और के साथ आप सेम एज में रह रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? मतलब आप जिनके साथ रह रहे हैं उनको क्या बोलेंगे इस कंडीशन को? कॉन्फिडेंट पार्टनर, कोलैबोरेटर या कंटेम्प्रेरी? सेम एरा में रहने वाले लोगों को क्या बोला जाता है, जो सेम टाइम पे रहते हैं? बताएंगे करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर इज कॉल्ड ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कंटेम्पररी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सेम एरा में रहने वाले जो लोग होते हैं, सेम टाइम पे रहने वाले जो लोग होते हैं उनको कंटेम्पररी बोला जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले, कॉन्फिडेंट कौन होता है? जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, हुम यू कैन टॉक इन प्राइवेट और सीक्रेट थिंग। जहाँ पर आप सीक्रेट चीज़ों को किसी के साथ डिस्कस कर सकते हैं उसको बोलते हैं कॉन्फिडेंट। कोलैबोरेटर क्या होता है? अ पर्सन हु वर्क जॉइंटली ऑन एन एक्टिविटी और प्रोजेक्ट। ठीक है, साथ साथ जो किसी एक चीज़ पे काम करते हैं, इन कोलैबोरेशन काम करते हैं, दैट इज कोलैबोरेटर। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 263 क्वेश्चन, अ पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। जल्दी से बताएंगे, जो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है क्या रहेगा करेक्ट आंसर? जियोलॉजिस्ट, जियोग्राफर, जेमोलॉजिस्ट या फिर गायनेकोलॉजिस्ट? द पर्सन हु स्टडीज द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पर? ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ, जियोलॉजिस्ट कहते हैं ऐसे इंसान को जो अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, दैट इज जियोलॉजिस्ट। क्रस्ट, कोर, मेंटल के बारे में जो पढ़ता है, किससे अर्थ बनी है, दैट इज जियोलॉजिस्ट का काम है ये। ठीक है, जियोग्राफर कौन होते हैं? जो जियोग्राफी में एक्सपर्ट लोग होते हैं उनको जियोग्राफर कहते हैं। गायनोकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? डॉक्टर या फिर सर्जन, जो विमेन की डॉक्टर्स होती हैं, ठीक है, उनको गायनोकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 264, कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। बताइए क्या बोलते हैं इसको? जब आपने देखा होगा कुछ कुछ जानवर जो हैं वो विंटर्स में सो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप कुछ पार्ट्स ऑफ द ईयर में आप सोने चले जाते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? सोमने एम्ब्यूलिज्म, हाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन या फिर हाइबरनेशन? बताओ 264 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या रहेगा करेक्ट आंसर? कंडीशन ऑफ स्लीप ड्यूरिंग सर्टेन पार्ट ऑफ द ईयर। क्या बोलते हैं इस कंडीशन को? ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, हाइबरनेशन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? हाइबरनेशन, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। क्लियर? चलिए हाइबरनेशन हो गया। ठीक है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं, विंटर में एक डोरमेंट स्टेट पे चले जाते हैं, इनएक्टिव हो जाते हैं। ठीक है,
उसके साथ साथ अगर कोई समर में सोने चला गया उसको बोलते हैं एस्टिवेशन। हाइबरनेशन इज विंटर स्लीप, एस्टिवेशन इज समर स्लीप। सोमनेम्बुलिज्म क्या होता है, जब आप नींद में चलते हैं दैट इज सोमनेम्बुलिज्म, ठीक है। हाइड्रेशन क्या, डिहाइड्रेशन क्या होता है, जब वाटर की कमी हो जाती है दैट इज डिहाइड्रेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, जहाँ पर लाइक कंडीशन इन विच देयर इज डिफिकल्टी इन एम्प्टींग द बोल, ठीक है, जहाँ पे आप प्रॉपरली फ्रेश नहीं हो पा रहे हैं इन द मॉर्निंग दैट इज कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, 265, क्वेश्चन नंबर 265, समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल, इनफॉलिबल, ऑडिबल या फिर इरिवोकेबल। वेरी सिंपल क्वेश्चन, सीजीएल के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, सीजीएल का क्वेश्चन आ चुका है फाइनली हमारे सामने। बताओ समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इनऑडिबल। जी हाँ, इनऑडिबल हमारा करेक्ट रहेगा यहाँ पर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इनफॉलिबल क्या होता है, जो गलत ना हो, ठीक है, जो मिस्टेक ना करे दैट इज इनफॉलिबल, ठीक है। ऑडिबल क्या होता है, जो इजीली सुनाई दे दैट इज ऑडिबल। इरिवोकेबल क्या होता है, जो चेंज ना हो, रिवर्स ना किया जा सके दैट इज इरिवोकेबल, ठीक है, जिसको रिवर्स ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 266, अ लॉन्ग संग, अ सॉन्ग संग एट अ बरियल। बताओ जब किसी की डेथ हो जाती है उसको बरी करते हैं तो उस टाइम पे जो सॉन्ग गाया जाता है उस सॉन्ग को क्या बोलते हैं, डिर्ग, बैलेट, सोनेट या फिर हिम। क्या रहेगा करेक्ट आंसर 266 का, हिम तो अभी हम पढ़ के आए हैं, जो रिलीजियस सॉन्ग होता है दैट इज हिम। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा निग्लेक्ट हो गया, रिलीजियस सॉन्ग को बोलते हैं, ठीक है। सो बरियल के टाइम पे जो सॉन्ग गाया जाता है दैट इज डिर्ग, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट रहेगा। जी हाँ, ए है हमारा करेक्ट आंसर, डिर्ग बोलते हैं इसको, ठीक है। बैलेट क्या होता है, एक पोयम या फिर सॉन्ग जो शॉर्ट स्टैंजा में कोई चीज़ को नरेट करता है दैट इज बैलेट। छोटे छोटे स्टैंजा बनाकर हम किसी चीज़ को नरेट कर रहे हैं दैट इज बैलेट। सोनेट क्या होता है, अ पोयम ऑफ 14 लाइन, ठीक है, हमेशा याद रखना 14 लाइन की एक पोयम होती है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग कोई भी पोयम गाते हैं दैट इज सोनेट। हिम क्या होता है, रिलीजियस सॉन्ग, ठीक है। चलो 267 सीजीएल का ही क्वेश्चन है, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 267 का करेक्ट आंसर, फॉरनर, एमिग्रेंट, टूरिस्ट या फिर नेटिव। क्या रहेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 267 का, वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर इज कॉल्ड एमीग्रेंट। जी हाँ, जो हम अपने देश से किसी और में चला जाता है सेटल होने के लिए दैट इज एमीग्रेंट, ठीक है। फॉरनर क्या होता है, अ पर्सन बॉर्न और इन और कमिंग फ्रॉम अनदर कंट्री, ठीक है, जो किसी और देश में पैदा हुआ है दैट इज फॉरनर। टूरिस्ट कौन होता है, जो सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए किसी जगह पे जाते हैं। नेटिव इज लोकल, लोकल के जो लोग होते हैं दैट इज नेटिव, ठीक है। चलिए 268, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। बताइए 10 सालों के पीरियड को क्या बोलते हैं, अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सीजीएल का ही क्वेश्चन है, फोर्टनाइट, मिलेनियम, डिकेड या फिर सेंचुरी। 10 सालों के समय को क्या बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, डिकेड, ठीक है। डिकेड हमारा करेक्ट आंसर है, 10 सालों के समय को डिकेड बोलते हैं। फोर्टनाइट क्या होता है, 2 हफ्तों के समय को फोर्टनाइट बोलते हैं। मिलेनियम, अ पीरियड ऑफ 1000 ईयर, ठीक है, 1000 ईयर्स का जो पीरियड है दैट इज मिलेनियम। सेंचुरी क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी, ठीक है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर इज कॉल्ड सेंचुरी। 100 सालों का समय सेंचुरी कहते हैं। चलिए 269 पे आते हैं, पर्सन हु इज वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। बताओ जो बहुत ही ज़्यादा कम बोलता है उस पर्सन को क्या बोलते हैं, रेटिसेंट, इलोक्वेंट, कॉन्फिडेंट या फिर एडमेंट। 269 का करेक्ट आंसर, जो बहुत ही कम बातचीत करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं, जो बहुत रिजर्व्ड रहता है।
अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच इज कॉल्ड रेटिसेंट. जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. ऐसे इंसान को रेटिसेंट बोलते हैं जो बहुत कम बात करता है. ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. उससे पहले इलोक्वेंट कौन होता है? जो बहुत ही बढ़िया बात करता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लुएंट वे में बात करता है या लिखता है, दैट इज इलोक्वेंट. कॉन्फिडेंट हम जानते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा श्योर होता है किसी चीज़ को लेकर. ठीक है, एडमेंट कौन होते हैं? जो इजीली अपने माइंड को चेंज नहीं करते हैं, स्टबन. ठीक है, उसको एडमेंट बोलते हैं. क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं. लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का आ चुका है. अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट. बताओ क्या बोलते हैं जहाँ पर हम कपड़े रखते हैं? वार्डरोब, शेफ्ट, कॉफिन या हैंगर. वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से करेक्ट आंसर बताएंगे. उस प्लेस को क्या बोलते हैं जहाँ पर हम अपने कपड़ों को रखते हैं? अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट इज कॉल्ड. क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वार्डरोब. जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वार्डरोब. ठीक है, शेफ्ट क्या होता है? कोई एरो. ठीक है, कॉफिन क्या होता है? एक बॉक्स जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है. ठीक है, ये हम जानते हैं. क्लियर? सो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट है. सो अराउंड 40 क्वेश्चंस हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डिस्कस कर लिए हैं, जहाँ पर CHSL, CGL के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया है. रोज आप सेशंस को देख सकते हैं ताकि आप अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कम से कम प्रीवियस ईयर पोर्शन को बहुत स्ट्रॉन्ग करके जाएं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं बेसिकली. ठीक है, सो प्रीवियस ईयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए वीडियो से. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में.